डायबिटीज एक क्रॉनिक डिजीज इंसुलिन की कमी के कारण होता है, जिसके कुछ दुष्प्रभाव हमारे पूरे बॉडी के अंदर दिखते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि एक पैनक्रियास में आइलेट सेल्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलते हैं और वो हमारे पूरी बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को कवर करता है। उसके कम होने की वजह से या उसकी सेंसिटिविटी कम होने की वजह से या कोई और कई कारणों की वजह से इंसुलिन का एक जो हार्मोन है वो नहीं निकलना या उसका कम निकलना या उसकी शक्ति का कम हो जाना एक दुष्प्रभाव प्रदान करता है पूरे अपने बॉडी के अंदर। एक्चुअली क्या होता है कि जो शुगर है उसका जो दुष्प्रभाव है वो हमारे सेक्सुअल फंक्शंस पे भी पड़ता है। अब जो सेक्सुअल फंक्शंस पे पड़ता है जो जिसके लिए लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि सेक्सुअल फंक्शंस भी खराब होते हैं। हमारे सेक्सुअल फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर धमनियों के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी नसों के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तीनों चीज़ें खराब हो जा रही हैं लाइफस्टाइल के साथ। डायबिटीज़ की वजह से वो ज़्यादा खराब हो रही हैं, डायबिटीज़ की वजह से धमनियों का में जो खून का प्रभाव है वो खराब होता है, कम हो जाता है, उनका नसों के ऊपर जोर पड़ रहा है, नसों के अंदर उनको न्यूरोपैथी कहते हैं हम लोग, वो उसको ये हो रहा है जिससे संबंध बनाना, संभोग करना, उसका अराउजल एंड और उसका एक परफॉर्मेंस नहीं हो पाती तो उससे एक स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है। परफॉर्मेंस की दो चीज़ों पे डिपेंड करता है जिसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो एक प्रोसेस जो है एक आदमी में प्रोसेस जो कहते हैं जिससे उसका लिंग के अंदर खून का प्रभाव अच्छा रहे, उसका इरेक्शन इतना हो कि वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सके, उसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। अगर वो नहीं कर पाता है तो कोई ना कोई वजह होती है। एक तो हो गया साइकोलॉजिकल होता है कि भाई स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, वैसे भी हो सकता है, लेकिन डायबिटीज से उसका खून का प्रभाव उस लिंग में जाने का थोड़ा कम हो जाता है, उसकी नसों के ऊपर जोर पड़ने से वो भी कम हो जाता है, इसलिए वो उतना लिंग में जोर नहीं होता कि वो इस चीज़ को संभाल सके और वो डॉक्टर से डिस्कस नहीं करता है। इसको डिस्कस ना करने से उसको ज्ञात ना होने की वजह से वो स्ट्रेस में रहता है। उस स्ट्रेस में रहने से उसकी रिलेशनशिप खराब होती है, उसके संबंध खराब होते हैं, वो इरिटेशन में रहता है। ये लड़का को भी और लड़कियों को भी, और लड़कियों में अराउजल नहीं होता है, लड़कियों में वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, उससे वो संबंध नहीं बना सकते अपने। डॉक्टर और पेशेंट में जो बैरियर है वो नहीं होना चाहिए। पेशेंट को खुद खुल के बताना चाहिए कि उसके सेक्सुअल फंक्शंस कैसे हैं, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए। डॉक्टर को भी एक बैरियर को ख़त्म करके, ये जो हमारे लोगों में जो बैरियर होता है उसको ख़त्म करके आप उनसे पूछना चाहिए, डॉक्टर को भी पूछना चाहिए कि उसके सेक्सुअल फंक्शंस कैसे हैं, क्योंकि सेक्सुअल फंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ ए होल बॉडी एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। इस कंडीशन में मेल को और फीमेल को, लड़कों को लड़कियों को, आदमियों को और औरतों को एक अलग अलग भावनाएं पैदा उत्पन्न होती हैं, उसके बारे में मिथ्याएं बहुत होती हैं उनके दिमाग में, तो उनको डिस्पेल करने के लिए, उनको ठीक रखने के लिए डॉक्टर से सलाह जरूर करनी चाहिए। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को, शुगर वाले मरीज़ को एक बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी शुगर को कंट्रोल करना। उसके साथ साथ हमें और भी चीज़ें का विश्लेषण करना चाहिए, जैसे उसकी ओबेसिटी, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, उसने कोई दवाइयां ले रहा है कि नहीं ले रहा पहले से, कोमॉर्बिड कंडीशंस जिसको हम कहते हैं, उसको ब्लड प्रेशर की दवाइयां, उसको डिप्रेशन की दवाइयां, उसको कोई और बीमारी तो नहीं है साथ में, उसका वज़न ज़्यादा होने की वजह से, उसकी वजह से उसको कुछ बिहेवियरल चेंजेस आ रही हैं, साइकेट्रिक की कोई दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से संबंध बनाना, संभोग करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। शुगर ऊपर से हो गई तो वो 1 × 1 = 1, इट इज़ 1 × 1 = 11, आई से दैट। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले से वो ग्रस्त है उन बीमारियों से, जैसे ब्लड प्रेशर से, जो ब्लड प्रेशर काफ़ी देखा जाता है शुगर वाले मरीज़ को, वो भी उसकी भी वो दवाइयाँ ले रहा है, उन दवाइयों से भी
सेक्सुअल फंक्शंस के ऊपर असर पड़ता है। साइकेट्री की कुछ दवाइयों की वजह से भी उसकी सेक्सुअल फंक्शंस पे, अराउजल पे और उसके परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वो क्रॉनिक बीमारियां जो मानी जाती हैं, उसके लिए भी वो कुछ दवाइयां ले रहा है, उससे भी उसको भी उनका ज्ञात भी कराना चाहिए डॉक्टर। डॉक्टर को ये मालूम होना चाहिए कि इन दवाइयों से को कम करने से या उनको चेंज करने से उसका सेक्सुअल फंक्शन ठीक हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात। तो एक तो ये जरूर पूछ लेना चाहिए कि उसके आसपास की और क्या बीमारियां हैं, उसके फंक्शंस कैसे हैं, उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, उसका और कोई दवाइयों का सेवन तो नहीं करता है, ओबेसिटी तो नहीं है। वेट का बढ़ना, आज की डेट में वेट का बढ़ना एक इटसेल्फ 50% आपका सेक्सुअल फंक्शंस को ख़राब करता है, इसलिए वेट को कम करना एक बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उसका ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना दूसरा बहुत ज़रूरी है। तीसरा, उसने कोई दवाइयां ली हैं कि नहीं ली हैं और क्या क्या दवाइयों का सेवन कर रहा है उसका। चौथा, उसका दिनचर्या कैसी है। ये चार पांच चीज़ें वो हर पेशेंट को मैं बताता हूं और हमें पूछना भी चाहिए और पेशेंट को भी बताना चाहिए कि उसके सेक्सुअल फंक्शंस कैसे हैं। ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ही ना हो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उसको अपनी स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए, अपना वजन देखना चाहिए, अपनी दवाइयां देखनी चाहिए, अपनी और बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए। तो इसको हम डायबिटिक स्क्रीनिंग या एंडोक्रेनोलॉजिकल स्क्रीनिंग पहले करवा लेनी चाहिए जिसकी वजह से ये कम हो। जो सेक्स है वो शुरू होते हैं अराउजल से, वो शुरू होती है दिमाग से लेके पूरा पेनाइल एरिया तक और अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स तक हारमोन्स का बिगड़ना, तो वहाँ पर हारमोन्स देखा जा सकते हैं। दूसरा, लड़के के अंदर लिंग के अंदर खून का प्रभाव, खून कितना बढ़ता है। जब अराउजल होता है तो एक सिग्नल आता है दिमाग से अपने सेक्स ऑर्गन्स पे कि उससे अराउजल होता है। लड़कों में पेनाइल इरेक्शन होता है, लड़कियों में लुब्रिकेशन होता है वजाइना में। अगर वो दोनों चीज़ें ठीक मात्रा में ठीक टाइम पर हो रही हैं और ठीक समय के लिए हो रही हैं तो उसको हम ठीक मानते हैं। अगर उसमें कोई गड़बड़ आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें कोई तकलीफ हो रही है उस लड़के को या लड़की को कि अराउजल हो जाता है, डिजायर हो रही है लेकिन वो उसके साथ इरेक्शन नहीं हो रहा। सिमिलरली फीमेल्स के अंदर अराउजल हो गया लेकिन लॉस ऑफ लिबिडो हो गया। लॉस ऑफ लिबिडो मतलब अपना दिल नहीं कर रहा है। कई बार ये भी होता है अराउजल ही नहीं होता। अराउजल अगर हो जाता है तो वहाँ लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, उनको दर्द होती है संबंध बनाने में, उनको तकलीफ होती है संबंध बनाने में। इन सारी तकलीफ़ों को देखने के लिए हमें एक स्क्रीनिंग करनी पड़ती है मेल की और फीमेल की अलग। लोगों को ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ का असर कहाँ कहाँ पड़ सकता है। मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत शाई फील करते हैं, हम लोग बहुत एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, हम इसको एक सोशल टैबू मानते हैं कि सेक्सुअल फंक्शन मैं तो ठीक हूँ लेकिन अंदर से नहीं मालूम। जब वो क्योंकि अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है वो नहीं है ठीक, तो वो स्ट्रेस वहाँ से शुरू हो जाता है। मेल हो या फीमेल हो दोनों को ये स्ट्रेस लेवल होता है। मेल्स में थोड़ा ज़्यादा देखा गया है क्योंकि साइंस जो मेल की है वो थोड़ी ज़्यादा अवगत होती है, वो हमें ज़्यादा पता लगता है। थोड़ा फीमेल की साइंस थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेटेड सेक्सुअल साइंस मानते हैं हम लोग, लेकिन उसमें भी काफ़ी एविडेंस के बेसिस से मैं सबको ये बता रहा हूँ कि जो मेल्स में होता है उसको आप काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, फीमेल्स में होता है उसको काफ़ी हद तक आप ठीक कर सकते हैं। 70% तक लोग ठीक हो सकते हैं अगर डायबिटीज़ पहले से कंट्रोल कर ली जाए। शुगर का पहले दिन से आपको कंट्रोल करने की इच्छा हो, शुगर आपकी 5 साल हो गए तो आपकी जो धमनियों में खून है, आपके जो नसों के अंदर प्रभाव है वो खराब होता जा रहा है। ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इसलिए जितनी जल्दी उस डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाए उतनी जल्दी आपके सारे फंक्शंस ठीक होंगे इंक्लूडिंग सेक्सुअल फंक्शंस। आपको अंत में ये समझाना चाहूँगा कि यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स विद चेंजिंग योर लाइफस्टाइल। दोज चेंजिंग लाइफस्टाइल यू शुड नो, वो जैसे आप अल्कोहल ले रहे हैं जो 30 साल में ले रहे थे वो 40 साल में ले रहे हैं वो बढ़ती जाती है। उसको जितना जल्दी
ख़त्म कर दें, कम कर दें, अपनी मात्रा में कर दें, मॉडरेशन में कर दें, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। स्मोकिंग टोटली इंजूरियस, आप बंद कर दें। गुटखा, आपके कोई एडिक्टिव मेडिसिंस, आप उसको बंद कर दें, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे सेक्सुअल फंक्शंस में। सेक्सुअल फंक्शंस के लिए हमारे कल्चर में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेडिसिंस भी हैं, बहुत सारे एक नेचुरलपैथी भी है। ये सारी चीज़ों को देखने के बावजूद अगर आप अमेजिंग रिजल्ट्स चाहते हैं तो अपना स्ट्रेस लेवल, अपना लाइफस्टाइल, अपना स्मोकिंग, अपना अल्कोहल, अपना खान पान, आपका व्यायाम, आपकी मेडिटेशन, रोजमर्रा की ज़िंदगी में जो स्ट्रेस डेवलप करते हैं आप लोग, उसको कम कर दीजिए, आपके 50% रिजल्ट्स आपको नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। स्क्रीनिंग, हर साल एक बार स्क्रीनिंग करा दें, अपने लंग्स की, अपने दिल की, अपनी किडनी की, अपने सेक्सुअल फंक्शंस के लिए, कुछ ऐसी बीमारियों के लिए जिसके लिए आप दवाइयां ले रहे हैं, उसमें स्क्रीनिंग कराते रहिए। हर साल अगर स्क्रीनिंग कराएंगे, आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, स्वस्थ में ही जीवन है। सेक्सुअल हेल्थ अगर आपकी अच्छी है, आप जीवन में भी खुश रहेंगे, आपके काम दिनचर्या में भी खुश रहेंगे। उन खुशी रखने के लिए आपको ये चीज़ों का एहतियात बरतना चाहिए।